तो गाइस यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वीवो S1 Pro के सभी नए फीचर्स के बारे में, जो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद देखने को मिल जाते हैं। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद मतलब ज़्यादा कुछ नया फीचर यहाँ पर वीवो के S1 Pro के ऊपर ऐड नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि मतलब एंड्रॉइड 11 अपडेट आने से पहले वीवो को जो 3-4 अपडेट मिले थे S1 Pro के ऊपर, तो उसके अंदर ही इन्होंने बहुत सारे एंड्रॉइड 11 के फीचर वगैरह दे दिए थे, लाइक ऐप ड्रॉअर वगैरह, एल्बम वगैरह। तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा फीचर दिखाने लायक नहीं है, बट जितने भी दिखाने लायक है मैं आपके ऊपर सभी चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एंड और एक बात, अगर आपको S1 Pro के ऊपर एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसको एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलो मैं अभी वीडियो को सही तरीके से शुरू करता हूँ, बट उससे पहले बता दूं वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ जगह पर राघव भाई ने शेयर किया एंड इस भाई ने शेयर किया, इनका नाम मैं पर लिख देता हूं, दोनों का थैंक्स इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं, मैं आपको अबाउट फोन चेकआउट करवा देता हूँ कि यहाँ पर वीवो S1 Pro के ऊपर एंड्रॉइड 11 के साथ कौन सा OS आया है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी जो एंड्रॉइड 11 के साथ वीवो के S1 Pro के ऊपर फंटच OS 10.5 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कोई आपको फंटच OS 11 देखने को नहीं मिलता, आई थिंक इन फ्यूचर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल नंबर एंड्रॉइड 11 वर्जन 11 है एंड जो OS है फंटच OS 10.5 है। अभी बात करते हैं गाइस इसके सेटिंग के आइकॉन्स के बारे में। तो जो सेटिंग के आइकॉन्स से है भाई, पहले से थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पर जो लुक एंड डिजाइन है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो यहाँ पर फंटच OS 10.5 जैसे आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली भाई सेटिंग का आइकन वगैरह आई थिंक आपको भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सेटिंग का आइकन वगैरह लगभग इन्होंने ठीक ठाक ही डिज़ाइन किया है एंड बाकी जो कलर वगैरह है वो भी यहाँ पर इन्होंने ठीक कॉन्ट्रास्ट भी किया है, तो सेटिंग का आइकन वगैरह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जैसा मैंने बोला भाई, दिखाने लायक तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सीधे मैं डायनेमिक इफेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ, तो डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर आपको वही जो है 6-7 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, अनलॉक एनिमेशन, फिंगरप्रिंट, फेशियल एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, USB एनिमेशन एंड स्किन ऑन ऑफ एनिमेशन। तो सबसे पहले अगर मैं जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करूँ, तो यहाँ पर गाइस आपको जो है ओरिजिन OS का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फंक्शन देखने को मिल जाता है, जो ओरिजिन OS का लोगो है वो वाला, उसी टाइप का आपको जो यहाँ पर एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर लगभग ठीक ठाक देखने को लगता है एंड ये आपको भी यूज़ करने के टाइम बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पर अनलॉक एनिमेशन की, तो यहाँ पर अनलॉक होम स्क्रीन एनिमेशन के अंदर आपको जो है अभी टोटल 3 एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, एक है फ्लाई इन फ्लाई आउट एंड एक और जो है फ्लाई इन लेयर बाय लेयर। तो ये जो एनिमेशन है कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये ठीक ठाक ही काम करते हैं। जब आप ऐप को ओपनिंग वगैरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा यहाँ पर iOS जैसे इन्होंने यहाँ पर फील देने की कोशिश की है इसकी मदद से यहाँ पर। तो अनलॉक होम स्क्रीन की यहाँ पर बात हो चुकी है, तो अभी बात करते गए इस पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज एनिमेशन की। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज एनिमेशन है, मैं आपको टोटल सारे दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर इस अपडेट के बाद कितने सारे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो इस अपडेट के बाद भी आपको टोटल जो है 7 या फिर 10 फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, अनलॉक एनिमेशन वगैरह। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो है बात करते हैं नए फीचर चार्जिंग एनिमेशन भी मैं आपके पास सारे दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस अपडेट के बाद भी आपके यहाँ पर कुछ 8 से 10 चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जो चार्जिंग एनिमेशन वगैरह कुछ इस टाइप के हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इसका लुक एंड डिज़ाइन वगैरह आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग एनिमेशन की भी भाई यहाँ पर बात हो चुकी है, अभी बात करते हैं भाई इसके फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन है भाई, यहाँ पर कुछ आपको इसी टाइप का देखने को मिल जाता है। टोटल यहाँ पर आपको जो 6 फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पर फील एंड लुक एंड डिज़ाइन वगैरह आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाते हैं एंड ये भी यहाँ पर मस्त तरीके से काम भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं गाइस यहाँ पर फेशियल रिकॉग्नाइज एनिमेशन के बारे में। तो जो फेशियल रिकॉग्नाइज एनिमेशन है वो भी यहाँ पर मस्त है, मतलब मस्त क्या बोलूँगा, पुरानी फेशियल रिकॉग्नाइज एनिमेशन है, कुछ यहाँ पर नया ऐड नहीं किया है एंड जितने भी फेशियल रिकॉग्नाइज एनिमेशन है कुछ आपके पर इसी टाइप के देखने को मिल जाते हैं। इन बात करते हैं भाई इसके USB एनिमेशन भी, यहाँ पर पुराने USB एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, वही 3 एनिमेशन यहाँ पर इन्होंने रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई यहाँ पर स्किन ऑन ऑफ एनिमेशन, वही 3 यहाँ पर इन्होंने रखा है, कुछ यहाँ पर नया इन्होंने ऐड नहीं किया है। तो जो डायनेमिक इफेक्ट्स है उसके अंदर आपको कुछ इसी टाइप के एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक और खास फीचर की बात करते हैं, इस अपडेट के बाद आपके पास जो है चैट बबल देखने को मिल जाता है एंड ये चैट बबल कैसे काम करते हैं एंड इसको कैसे ऑन किया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक में आई बटन पर एफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपके वीवो के S1 Pro के ऊपर भी चैट बबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट बबल
चैट बॉट एक बहुत ही मस्त फंक्शन है, मैसेंजर टाइप जैसे यहाँ पर काम कर लेता है एंड कुछ कुछ एप्लीकेशन के ऊपर, सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर ही काम करते हैं। बाकी उसके अलावा गाइस इसका मैं यहाँ पर होम स्क्रीन की बात करूँ तो होम स्क्रीन के अंदर आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है आपको नीचे की ओर सबसे पहले वॉलपेपर का फंक्शन देखने को मिल जाता है। एंड इस अपडेट के बाद भी यहाँ पर कोई नया वॉलपेपर इन्होंने ऐड नहीं किया है, जो यहाँ पर बहुत ही घटिया लगा। देन यहाँ पर उजिट की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली पुराने उजिट बगड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड और एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप चाहे तो वीवो के S1 Pro के ऊपर ऑरिजिन OS का उजिट बगड़ा यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद उसका भी वीडियो मैं आई बटन पर दे दूंगा, चाहे तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड जो आपके फोन के ऊपर ऑरिजिन OS का उजिट बगड़ा यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक OS के अंदर, तो यहाँ पर डायनेमिक साइड इफेक्ट्स के अंदर भी कुछ नए साइड इफेक्ट्स ऐड नहीं किए गए हैं। एंड उसके अलावा भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लास्ट यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर, तो होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपके यहाँ पर वही ऐप ड्रॉअर का ही सेटिंग देखने को मिल जाते, तो नॉर्मली भाई कुछ इसी टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देना चाहूँगा कि इस अपडेट के बाद जो भी वगैरह तो लुक वगैरह ऐसा ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, जो भी होम एंड जो भी स्मार्ट सेंस यहाँ पर एक ही हो चुका है। एंड साथ ही साथ इस अपडेट के बाद आपको जो आई मैनेजर है उसका जो लुक एंड डिज़ाइन है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाते हैं। एंड ये भी यहाँ पर मस्त तरीके से काम करता है, जो आई मैनेजर है ये भी यहाँ पर जो है ऑरिजिन OS का ही आई मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर कुछ इसी टाइप का अपडेट जो है आपको वीवो के S1 Pro के ऊपर, एंड भाई जो है अपडेट के बाद आपको वीवो S1 Pro के ऊपर कुछ इसी टाइप का फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उतने खास यहाँ पर नहीं है, 3 GB का अपडेट है, उतने ज़्यादा फीचर यहाँ पर इन्होंने ऐड नहीं किया, बट जितने भी है लगभग मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। एंड एक बात बता दी, इस अपडेट के बाद आपके ऊपर मई महीने का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर वीवो ने आई थिंक बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पर मेन के एंड में एकदम मई महीने का सिक्योरिटी पैच दिया। एंड बाकी बहुत सारे बंदे होंगे जिनको अभी तक अपडेट आई थिंक नहीं मिला होगा, तो उन बंदों के लिए बोलना चाहूँगा आप वीवो को फीडबैक दो, आपको आई थिंक जो अपडेट है जून या फिर जुलाई के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीवो की तरफ से वीवो के S1 Pro के ऊपर। तो बाकी भाई और कुछ वीडियो के अंदर कहने का नहीं है, जितनी बातें थी वीडियो के अंदर मैंने अपने कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर और एक बात, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।